एवरीवन, हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ द ड्रिलिंग। लास्ट टॉपिक इन द सेंस वी विल कवर इन दिस टॉपिक डायरेक्शन ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल वेल एज वेल एज द मल्टीलेटरल वेल एंड स्लिम बोर वॉल, मोनो बोर वॉल। सो दीज आर बेसिक टर्मिनोलॉजी, स्लिम बोर वॉल एंड मोनो बोर वॉल, दैट आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। वी विल सी ओनली डेफिनेशन एंड द एप्लीकेशन, बट दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट topic for drilling purposes. If you skip direction drilling, then you might lost your 2 to 3 marks. Okay, you can go through the previous year question paper. You will find at least one calculation wala question. Okay, one calculative question you will find from the direction drilling, and that's very simple question. If you know trigonometry, okay, what you should know for these subjects is only and only trigonometry. Okay, if you know trigonometry, then you are able to answer. Don't mug up any formula for this session. Okay, you can even 12th standard student can solve this type of the question. Okay, with only and only using trigonometry. So let's start with the application of the direction drilling. Okay, first of all, डायरेक्शन ड्रिलिंग होता क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है वो अंडरस्टैंड करते हैं। अब नाम ही है डायरेक्शन ड्रिलिंग, तो इसमें कैसे ड्रिल करेंगे? हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपना वेल वर्टिकल, अब तक जो देखा उसमें वेल कैसे ड्रिल हो रहा था, वर्टिकल, यानी कि जो मेरी ट्रू वर्टिकल डेप्थ होती थी, मेरी ट्रू वर्टिकल डेप्थ होती थी वो किसके इक्वल हो जाती थी, दैट इज़ इक्वल टू दी मेरी मेजर डेप्थ। अब देखो ये दो टर्मिनोलॉजी है, ट्रू वर्टिकल डेप्थ एंड मेजर डेप्थ, अब डायरेक्शन ड्रिलिंग में आएगी काम, ठीक है। तो देखो अब हम डायरेक्शन ड्रिलिंग में अपने वेल को इस तरह से एंगल पे ड्रिल करने वाले हैं, ठीक है, इस तरह से एंगल पे ड्रिल करने वाले हैं, यानी कि ये थीटा एंगल पे ड्रिल होने वाला है, ठीक है। हर जगह थीटा अलग अलग है, तो मैं ये थीटा 1 बोल रहा हूँ, ये थीटा 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर ये थीटा इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री पे हो रहा है, तो उसे मैं बोल दूंगा हॉरिजॉन्टल वेल। ऐसे वेल को क्या बोलूंगा? हॉरिजॉन्टल वेल। यानी कि डायरेक्शन ड्रिलिंग का ही एक पार्ट होगा हमारा हॉरिजॉन्टल वेल। ओके, हॉरिजॉन्टल वेल इज़ दी वन पार्ट ऑफ दी डायरेक्शन ड्रिलिंग। कब हम इसको हॉरिजॉन्टल वेल बोलेंगे? जब ये 90 डिग्री पे ड्रिल होगा। अब ये जो एंगल है इसको मैं इंक्लिनेशन बोलूँ या स्लांट एंगल बोलूँ, ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल। तो यहाँ पे क्या था, इंक्लिनेशन एंगल 0 था, 0 डिग्री था वर्टिकल वेल के केस में। अब ये वाली जो डेप्थ होगी, इस तरह से कर्वेचर की जो डेप्थ होगी वो क्या होगी हमारी, मेजर डेप्थ, यानी कि जो हम मेजर कर रहे हैं। और ये पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट पे क्या होगा हमारी ट्रू वर्टिकल डेप्थ, कुछ इस तरह से मिलेगी। तो सारे प्रेशर कैलकुलेशन किस पे बेस्ड होते हैं? ट्रू वर्टिकल डेप्थ पे, ना कि मेजर डेप्थ पे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कौन सी डेप्थ यूज़ करनी है, ऑलवेज हमने अब तक देखा वो सारे कैलकुलेशन में टीवीडी ही लगेगी, आइदर हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। बट मेजर डेप्थ कब लगेगी आपको? जब पाउंड पर फीट लगाना है, ठीक है, पाउंड मास पर फीट निकालना है। तो वैसे केस में क्या करोगे, टोटल पाइप की लेंथ लोगे ना यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, तो क्या करोगे, हम उस टाइम पे मेजर डेप्थ यूज़ करेंगे। अब इस तरह से वेल को हमने क्यों ड्रिल किया, इस तरह से हमने वेल को क्यों ड्रिल किया उसकी थोड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, ठीक है। जो कोई अगर नया बच्चा देख रहा है तो उसको नहीं पता होगा, पुराने वालों को तो पता होता है, ठीक है। तो चलो 5 एप्लीकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, मान लो हम यहाँ से ड्रिल कर रहे थे और हमें पता चला यहाँ पे हमारा रिजर्वायर नहीं है, यहाँ पे मेरा रिजर्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या कर दूँगा, प्लग लगा दूँगा। कौन सी मेथड? बैलेंस प्लग मेथड। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे वेल को इस तरह से डायरेक्शन में लेके ड्रिल करूँगा। सेकंड एप्लीकेशन, हमें पता है कि इस तरह से सॉल्ट डोम हमारा आ चुका है, ठीक है, हमारा सॉल्ट डोम है, और सॉल्ट डोम अच्छा क्या होता है, कैप रॉक होता है, तो हमारा रिजर्वायर यहाँ पे होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, अक्यूमुलेट होगा। तो ये जो अक्यूमुलेट हो रहा है, अगर मैं यहाँ से ड्रिल करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एबनॉर्मल जोन क्रिएट हुआ होता है, ठीक है। उससे अच्छा है कि मैं क्या करूँ, मैं इस तरह से आके इस फ्लूड को डायरेक्शन ड्रिलिंग करके निकालूँ, यानी कि किसी भी डायरेक्शन पे इसको ड्रिल करके रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है।
थर्ड चीज़, मान लो ये बड़ा एरिया है जिसके नीचे मेरा सोर्स है और यहाँ पे सिटी बसा हुआ है, ठीक है, बड़े बड़ी बिल्डिंग इमारतें, उस पर भी बड़े बड़े लोग, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगा ये दोनों कौन है, आप समझ जाओ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस तरह से डायरेक्शन ड्रिलिंग करके क्या कर सकता हूँ, अपना प्रोडक्शन ले सकता हूँ। फोर्थ देखो, मान लो ये मेरा लैंड है और ये ओशन है, ओशन के बिलो मेरा सोर्स है, ओशन के बिलो मेरा सोर्स है। अब यहाँ पे मैं अगर वर्टिकल वेल ड्रिल करूँ तो यहाँ से क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा नुकसान होगा, यानी कि ज़्यादा कोस्ट लगेगा। चलो ये संदेश को पहले मार्केट रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मेरा वेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से डायरेक्शन ड्रिलिंग कर दूँगा। इसी में एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे वेल होगा तो ब्लोआउट होगा, तो यहाँ पे बचने का कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है। बट अगर इस तरह से वेल है, ठीक है, इस तरह से वेल है, तो क्या कर सकते हैं, हम ब्लोआउट से बच सकते हैं, ठीक है। तो ब्लोआउट प्रिवेंटर को काबू में पाने के लिए क्या हो सकता है, इस तरह से डायरेक्शन ड्रिल हो सकते हैं। अब ये बात थी कि लैंड नज़ीक है तब की बात, अब मान लो आप ओशन में कहीं हो, ओशन में बीच में खड़े हो और वहाँ पे सोर्स है, तो यहाँ पे मैं एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना लूँ और सारी डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से सारी डायरेक्शन में एक एक व्हील ड्रिल करूँ, तो यहाँ पे जो सोर्स है, यहाँ पे जो सोर्स है, यहाँ पे जो सोर्स है, वो सारे मेरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ थी। दूसरी चीज़, हॉरिजॉन्टल वेल या इंक्लिनेशन वेल से फ़ायदा क्या मिलता है, मान लो हॉरिजॉन्टल वेल है या फिर इंक्लिनेशन पे वेल है, तो अब देखो ये आइधर इस तरह से है, क्या है, इंक्लाइन है, ठीक है, और आइधर ये दूसरा केस है, ये वर्टिकल वेल है। अब देखो मैं अगर यहाँ पे एच हाइट जितना परफोरेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी एच है, और उतना ही परफोरेट में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो एच जितना ही परफोरेट में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये देखो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया कितना है, ए जितना है, और यहाँ पे देखो एच जितनी ही नेट पे में कॉन्टैक्ट एरिया देखो ए डैश जितना है, और आप देख सकते हो ए डैश ग्रेटर देन ए ही होगा, यानी कि ईजिली फ्लो होगा। कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट एरिया मेरा इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स फ्लो रेट, सेम फ्लो रेट, अगर यहाँ पे भी क्यू फ्लो रेट चाहिए, यहाँ पे भी क्यू फ्लो रेट चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, डेल पी कम होगा। अगर डेल पी कम होगा तो ज़्यादा फ्लो रेट मिल रहा है, कम प्रेशर ड्रॉप से, तो कोनिंग कंट्रोल होगा, क्या कंट्रोल होगा, कोनिंग कंट्रोल होगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रिगार्ड इन दी दैट कोनिंग चैप्टर। सेकंड चीज, फ्रैक्चर रिजर्वायर है, ठीक है, मान लो फ्रैक्चर हुए है, तो यहाँ से इस तरह से हॉरिजॉन्टल वेल है और यहाँ पे सारे फ्रैक्चर है, ठीक है, सारे क्या है, यहाँ पे इस तरह से फ्रैक्चर क्रिएट है, तो यहाँ से जो फ्लो आएगा, ठीक है, यहाँ से अगर इस तरह से फ्लो आ रहा है फ्रैक्चर में से, तो उस टाइम पे देखो वर्टिकल वेल होता, ठीक है, केवी अच्छी है मेरी, दैट मीन्स कि केवी अच्छी है, किससे, केएच से, तो उस केस में क्या, अगर मैं वर्टिकल वेल ड्रिल करूँ तो उतना फ़ायदा नहीं होता, बट हॉरिजॉन्टल ड्रिल करूँ तो देखो कॉन्टैक्ट एरिया इसमें देखो और इसमें देखो, इसमें देखो बहुत कम कॉन्टैक्ट एरिया फ्लो के लिए मिलेगा, तो इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट के लिए मिल रहा है, तो ये ऐसे केसेस में भी बेनिफिशियल है, ठीक है। इसके अलावा नॉन पेट्रोलियम में, माइनिंग में देखो, जियोथर्मल में देखो, पाइपलाइन में देखो, उसमें भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। हम HDD हमारी गैस की पाइपलाइन डालने के लिए, ऑयल की पाइपलाइन डालने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो ये बात थी नॉर्मल हम प्योर डायरेक्शन ड्रिलिंग को अप्रोच करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए आपको मैं बोलूँ तो यू कैन फॉलो फर्स्ट चैप्टर ऑफ द TA इंग्लिश, ओके, ये सारी एप्लीकेशन वहाँ से मिलेगी, आपको अच्छे से रीड करनी है तो TA इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। आई विल टेल यू सोर्स ऑफ द कंटेंट ईच टाइम, ओके, एवरी टाइम, सॉरी नॉट ईच टाइम, एवरी टाइम आई विल टेल यू दी
source of the content. So you can read whatever I talk to you from the first chapter of the TA English. Next, आगे बढ़ते हैं. Then you can open HRABIA for few little conceptual understanding. So let's start. अब थोड़ी थियरी चलेगी, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन पे आते हैं. So let's start with the first of all, I am telling you, if you don't aware about latitude and longitude, okay, latitude and longitude क्या होते हैं आपको पता नहीं है, ठीक है, तो आप प्लीज़ ये दोनों टर्म सर्च कर लो. ओके, मजाक लग रहा होगा पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सारों को नहीं पता चलता है, ठीक है, इस तरह से मेरी अर्थ है, ठीक है, तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, और ये क्या है, इक्वेटर है, यानी कि ये लेटिट्यूड है, ठीक है. अब फ्यू टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि जब भी हम डायरेक्शन ड्रिलिंग करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ड्रिलिंग करते हैं, तो हमें नॉर्थ कोऑर्डिनेट एंड ईस्ट कोऑर्डिनेट, कोई भी दो कोऑर्डिनेट पता हो. मान लो कि मैं अभी यहाँ हूँ और यहाँ तक मुझे पहुँचना है, तो मुझे इसके क्या पता होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट, ये कौन सी जगह पे है वो, और उसका बेस्ट सोर्स क्या है, अपना लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है. तो थोड़ी बहुत बातें चलेगी, आई होप आपको इमेजिनेशन पावर अपना बहुत ही अच्छा रखना है. ये इस तरह से पीछे भी होगा, ठीक है, ये आपको नहीं दिखेगा, तो इस तरह से भी होगा. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एज मच एज कम्फर्टेबल फॉर मी. सो ये क्या है, ये मेरा जीरो डिग्री है, ठीक है. अगर मैं टॉप से यहाँ पे खड़ा लेट के, चलो लेट जाता हूँ, ये मैं या आप हो, यहाँ से टॉप से देख रहा हूँ, तो इस पे कुछ क्या दिखने वाला है, देखो, ये मेरा टॉप से अगर मैं देख रहा हूँ, यहाँ से टॉप व्यू देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा कि ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन इस तरह से राउंड तो नहीं, बट नारंगी जैसा, नारंगी जो आकार हो पृथ्वीनो, तो वो नारंगी जो शू मल से नारंगी जैसा मुझे क्या मिलेगा, मिलेगा. और उस पर क्या होगा, हर एक पॉइंट पे से क्या होता होगा, ये देखो, इस तरह से हर एक पॉइंट पे से क्या निकल रहा होगा, हर एक पॉइंट पे से लॉन्गिट्यूड निकल रहा होगा. इस तरह से लॉन्गिट्यूड कैसा होगा, कर्व शेप होगा, ठीक है. इस तरह से आपको कुछ लॉन्गिट्यूड दिख रहा होगा, टॉप से देख रहे हो, ठीक है, आप टॉप से देख रहे हो तो ये पॉइंट दिखेगा, ठीक है, ये मैंने लाइन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ की है, बट ऐसे पॉइंट दिखेगा टॉप व्यू से. अगर आप इक्वेटर को ऑब्जर्व कर रहे हो तो हर एक पॉइंट कोई ना कोई 0 degree to 360 degree, ठीक है, कोई ना कोई लेटिट्यूड एक्सप्लेन कर रहा होगा. मैं बोलता हूँ ये वाला जो पॉइंट है वो है, अगर लेटिट्यूड को आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये 10 degree वेस्ट होगा और ये 10 degree ईस्ट होगा. आपको मजाक लग रहा होगा कि भैया वेस्ट और ईस्ट आपने गलत लिखा, नहीं, यही 10 degree वेस्ट होगा, यही 10 degree ईस्ट जो भी है, यानी कि जो भी डिग्री है वो ईस्ट इस साइड चला जाएगा उसके मेजरमेंट में, और ये इस तरह क्यों चला जाता है उसके लिए प्लीज़ गूगल कर लो आप. मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा, मुझे पता है बट मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है. सो दैट इज़ दी, आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसी के लिए, वरना मैं एक्सप्लेन कर देता. अब देखो, ये जो अपना हर एक पॉइंट है, ये कर्वेचर के शेप में है, ठीक है, यहाँ पे सब मिल रहे होंगे इस तरह से, ठीक है, 3D व्यू आप अज्यूम कर लो, सारे यहाँ पे मिल रहे होंगे. अब मैं ये सब हटा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें तो टॉप व्यू देखना है, और टॉप व्यू से कुछ इस तरह से पॉइंट ही दिखेंगे, ठीक है. तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे, इसके परपेंडिकुलर 90 degree पे. और मैंने क्या बताया आपको कि अपना लॉन्गिट्यूड क्या होता है, कर्वेचर होता है, यानी कि यहाँ से ये इस तरह से वर्टिकली नहीं पास होता, बट इस तरह से कर्वेचर के शेप में पास होता है. देखो आप, ये इस तरह से कर्वेचर है, यस, तो ये जो यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है, किसके साथ, वर्टिकल लाइन के साथ, यहाँ पे जो थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है, आप इधर अपर साइड मापो या लोअर साइड मापो, वो इक्वली होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इक्वली होता है. तो उस एंगल को कहते हैं हम कन्वर्जेंस एंगल, यही एंगल को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस एंगल कहते हैं, ठीक है, ओके. दूसरी एक चीज, अब देखो,
तो इतना आपको पता होना चाहिए, व्हाट आर दी लॉन्गिट्यूड, व्हाट आर दी लेटिट्यूड एंड व्हाट इज दी कन्वर्जन एंगल। ठीक है, पूछा तो नहीं जाएगा बट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकंड बात करते हैं ग्रिड की। ग्रिड क्या है? मैं मान लो ये कोई मेरा एरिया है जो 2D में है, ठीक है, ये 2D में है और मैं इसको सारे पॉइंट को नाम दे रहा हूँ ABC, और मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको इक्वली लाइन में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, ये 3 लाइन है, ये 4 लाइन है। वैसे यहाँ पे भी कुछ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा B है वो यहाँ से 2 और यहाँ से 7, ठीक है, यहाँ से 2 और यहाँ से 7 वाले जोन में है। तो मैं B को डिफाइन कर रहा हूँ कि वो कहाँ पे है, 2-7 में है, इस तरह से कुछ। तो ऐसे हम हमारी अर्थ को क्या करते हैं, ग्रिड में डिवाइड करते हैं। किसकी हेल्प से? लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से। अगर मैं आपको ये विषुववृत्त है, ठीक है, सारे इक्वेटर वाले 0 डिग्री पे ऐसा मान लेते हैं, तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट लेटिट्यूड पसार होते होंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, या थोड़े मोटे, चलो ज़्यादा ही ये वो हो गया, थोड़े मोटे यहाँ से इस तरह से, इस तरह से हर एक पॉइंट पे एक लेटिट्यूड पसार होता होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ से पीछे भी हो गए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट कर दूँ और ग्रिड में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो क्या कर सकता हूँ? यस, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा ये वाले प्लेन में, ठीक है, ये वाले प्लेन में इस तरह से ही दिखेगा। ठीक है, 2D में इस तरह से ग्रिड में दिखेगा, तो वही हमारी क्या होगी? ग्रिड होगी। ग्रिड का यूज़ क्या है? ये लोकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैं बोल दूँ कि ये 2-7 में आया हुआ मेरा पॉइंट है, तो आप समझ लोगे यहाँ से 2nd में और यहाँ से 7th में आया हुआ है। ठीक है, ये एक रेफरेंस सिस्टम है, सब इरेज कर रहा हूँ, तो वो आपको थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए। देन पीरियड एंड जियोड, जियोड एंड पीरियड, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन दी वेयर इन दी एक्सप्लोरेशन, सो ज़्यादा उसमें नहीं बात करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक ऑन दी एजीमूथ एंड दी इंक्लिनेशन एंगल। लेट्स टॉक ऑन दी एजीमूथ एंड इंक्लिनेशन एंगल। सो लेट मी ओपन बुक फर्स्ट, बिकॉज बुक में से डायरेक्टली फिगर में एक्सप्लेन करना अच्छा रहेगा। देयर इज द डाउनलोड पोर्टल हियर, ओके, ये बुक मैं ओनली रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, फिगर के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छी फिगर ड्रॉ करके दी होती है। ओके, सो ये पूरी बुक मत पढ़ना भाई, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यू कैन फॉलो एचराबिया, एरियोटवेट, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट ये पूरी की पूरी फॉलो करना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। ओके, वेर इज द फिगर? दिस ऑल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, सो इफ यू वॉन्ट देन यू कैन जस्ट क्विकली रीड इट, और नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। Wait for a while. यहाँ पे एक फिगर थी, कहाँ चली गई? I guess स्टार्टिंग में ही थी। ओके, चैप्टर 2 पहुँच गए इसीलिए। यस, दिस फिगर, ओके। लेट्स डिस्कस इन दिस ओनली। ओके, सो लेट्स डिस्कस फ्यू इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी टू यू। चलो इसमें अच्छा आपको नहीं समझ में आएगा, 3D फिगर नहीं है, आई गेस वहाँ पे 3D फिगर थी, बट व्हाटएवर द कंडीशन, सो लेट मी ड्रॉ दी